को विशाल बना कि अल्लाह ताला ने हमें खुशियों वाला दिन अता किया। इसके बाद मैं मालेगांव की आवाम को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने अपने उलमा की बात पर लब्बैक कहते हुए एकजुट होकर के वोटिंग की। ताली नहीं बजाएंगे तो अच्छा रहेगा, भारत का तसलसल खत्म हो जाता है। मैं शोभाताई बच्चौ साहिबा जो खासदार बन गई है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शिरीष कोतवाल साहब और भी दीगर तंजीमों के जिम्मेदार यहां मौजूद हैं, मैं ये बताना चाहूंगा कि पूरे देश में आपको कोई ऐसी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं मिलेगी जिन्होंने बीजेपी के लोकसभा के उम्मीदवार के उम्मीदवारी करने वाले के सामने सेकुलर उम्मीदवार को 1,98,869 वोटों से नवाजा। ये माने हो सेंट्रल है जिन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को 5,000 वोट भी नहीं दिया, 4,517 वोट दिए। मैं वाक्या सुनाऊंगा, मुझे एक मैं दारू उलूम देवबंद की शूरा से ताल्लुक रखता हूं। मदरसे का एक बहुत बड़ा मसला था, शूरा में जाना हुआ तो वहां ये बात सामने आई कि ये मसला हल कैसे होगा। मौलाना बदरुद्दीन अजमत साहब और दीगर जिम्मेदार मौजूद थे, उन्होंने ये बात कही उन लोगों के दरमियान कि इस मसले के हल के लिए हमें यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी साहब से बात करना चाहिए। ये हुआ कि कौन बात करेगा, मैंने कहा कोई भी बात कर लेगा, बात ही तो करना है। ये तय हुआ कि भाई मेरा नाम था और एक साहब का और नाम था कि आप लोग बात करें। हम लोगों ने सीएमओ फोन लगाया और 15 घंटे के बाद का टाइम दिया गया। जिस वक्त फोन दोबारा लगाने पर कॉन्टेक्ट हुआ, रब्ता हुआ, तो मैंने अपना परिचय अपना तारुफ दिया कि मैं मालेगांव से ताल्लुक रखता हूँ, वहां का विधायक हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब आप बोलिए क्या बोलना है, हम आपको पहचानते। थोड़ा सा आवाज में अपनाइयत थी तो मैंने कहा साहब एक दो मिनट मैं पूछ सकता हूं कि आप मुझे कैसे पहचानते। तो उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में बीजेपी के उम्मीदवार को सबसे कम वोट किसी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिली है तो वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। और हमारे उम्मीदवार के सामने सबसे ज्यादा वोट अगर किसी उम्मीदवार को मिली है तो पूरे मुल्क में मालेगांव सेंट्रल। और हमने अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया है, हमने पीछे 1,35,000 वोट दिए थे। ढाई को याद होगा, डॉक्टर दिनेश बच्छाव साहब को याद होगा, ईद के दिन ईद की नमाज के बाद इन्होंने फूलों का गुलदस्ता दिया और दूसरे दिन मालेगांव मेरी ऑफिस पर आए। मैंने उस वक्त जो बातें रखी थी उसमें मैंने ये बात कही थी कि आपको मालेगांव आने की जरूरत नहीं है, आप इसे हमारी मजबूरी समझो या हमारी जरूरत समझो, हम आपको 2,00,000 वोट देंगे, बराबर है भाई। मैंने कहा था हम आपको 2,00,000 वोट देंगे, जहां पिछले 3 इलेक्शन में सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं मिला है आप वहां मेहनत कीजिए। मालेगांव आउटर है, सटाना बागदाद है, धूलिया आउटर है, सिंहखेड़ा है, धूलिया है, आप वहां मेहनत कीजिए। अगर आपको वहां से वोट मिलेगा तो मालेगांव का वोट आपको जीत की मंजिल तक पहुंचाएगा। मैंने और मालेगांव में किसी को 1 रुपया मत दीजिए, हम मुफ्त में आपका काम करेंगे, हम मुफ्त में फ्री में आपका काम करेंगे। आज इनकी मौजूदगी में ये बात मैं कहना चाहूंगा, हमने इनसे 1 रुपया नहीं मांगा, हमने इनसे ये बात कही थी कि बगैर किसी डिमांड के, बगैर किसी मुकाबले के, हम बगैर किसी कंडीशन और शर्त के आपको सपोर्ट करते।
हमने अपना ब्रेक अपना अपना जो है रिकॉर्ड ब्रेक किया है। माने गांव वो शहर है कि जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया है पूरे मुल्क में किसी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी के किसी उम्मीदवार को इतना वोट नहीं मिला। हमने जो वोट किया है हम ये समझते थे कि अगर दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ताई ने अगर 30% की वोट हासिल कर दिया तो इंशाल्लाह मानेगांव का वोट उन तमाम खट्टों को भरने के बाद जीत की मंजिल तक पहुंचाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार हैं कि जो बात हमारी जुबान से निकली थी अल्लाह ने हमारी लाज रखी और हमने 2 लाख से जायद वोट दिए जिसमें 1,98,800 से जायद वोट जो है ताई को मिले। अगर ये इतना बड़ा वोट नहीं होता तो दूसरी जगह की जो लीड थी वो टूटती नहीं और ताई जीत नहीं पाती। ये क्रेडिट आवाम को जाता है, ना मैं ले सकता हूं ना और कोई सियासी लीडर ले सकता है। हम ये मालेगांव की तारीख में कभी लोकसभा इलेक्शन में 50% तक भी लोगों ने वोट नहीं दी। ये पहला मौका था कि 50% के ऊपर जाकर के लोगों ने वोट दी है। अभी हमारे किसी भाई ने ये बात कही कि किसी को वोट देने के लिए कहना नहीं पड़ा कि आप घर से निकलो वोट देने के लिए जाओ। लोग अपने घरों से खुद निकले और निकल करके उन्होंने वोट किया। और हमारा ऐसा मानना है कि अगर माजी में वोटर लिस्ट से जो 40-45 हजार नाम कम किए गए हमें बताने वालों ने बताया कि पूरे देश में पूरे मुल्क में जितनी यादियां थी जितनी वोटर लिस्ट थी उसमें से मुसलमानों के 10% नाम वोटर लिस्ट से कटवाए गए। बीजेपी की अपनी प्रणाली है कभी ईवीएम से काम देते हैं कभी वोटर लिस्ट में मुसलमानों का नाम कम करके अपनी जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं। पूरे मुल्क में उन्होंने वोटर लिस्ट से 10% नाम मुसलमानों के कम किए। जाहिर बात है आज बीजेपी ने अगर किसी को टारगेट किया है पूरे मुल्क में तो माइनॉरिटी को और माइनॉरिटी में खास तौर पर मुसलमानों को। उनका कोई लीडर आप अगर उसका भाषण सुनोगे तो मुसलमान से शुरू होता है कब्रिस्तान और पाकिस्तान पर जाकर के खत्म होता है। हम है हम ये चाहते हैं कि मुल्क में वो पुरानी गंगा जमनी तहजीब जो थी जो भाईचारा था जो इंसानियत थी जो आपस का मेल मिलाप था खुशी गमी के मौके पर हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे एक दूसरे के यहाँ प्रोग्रामों में शरीक होते थे वो सब कुछ खत्म करने की कोशिश की जा रही है। नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। आप देखो किस तरह की बात यानी मैंने बाइट देते हुए ये बात कही थी कि ऐसा नहीं था जैसा मुद्दा बना करके इस मरतबा इलेक्शन लड़ा गया कि भाइयों बहनों आप सुन लो अगर इनकी सरकार आएगी तो तुम्हारे गले से मंगलसूत्र उतार लिया जाएगा। तुम्हारे घर में 2 भैंस होगी तो 1 भैंस कांग्रेस पार्टी खोल करके लेके चली जाएगी। आपके घर में अगर 2 कमरे होंगे 2 रूम होंगे तो 1 रूम आपसे छीन लिया जाएगा। आप सोचो ये मुद्दा है पार्लियामेंट इलेक्शन का लेकिन इस तरह की बात इस मरतबा पार्लियामेंट इलेक्शन में हुई है। तो मालेगांव में अगर ये वोटर लिस्ट से इतने नाम कम नहीं होते तो हम आपको 2.5 लाख वोट देते। हमारी कोशिश थी लेकिन हमने देखा कि हमारे भाई और बहने हमारी माएं जब घर से निकल करके गई तो मालूम हुआ तो वोटर लिस्ट तो उतर नाम ही नहीं। इसलिए आज इस मौके पर मैं आप सभी की मौजूदगी में ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है उन लोगों को वोटर लिस्ट में अपना नाम बढ़ाने के लिए खुद कोशिश करना है। कोई आपके घर आए ना आए आपको जाकर वोटर लिस्ट में आपका नाम डलवाना है। ताई से हमने यही बात कही थी डॉक्टर साहब से हमने यही बात कही थी। आज हमारा आपसे कोई मुकाबला नहीं है कोई डिमांड नहीं है। जब आप चुन करके आ जाओगे फिर हम आपसे बात करेंगे।
कि मालेगांव के लिए आप क्या करोगे। डॉक्टर साहब, मालेगांव मजदूरों का शहर, 67% से ज्यादा लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं, हाथ मजदूरी करने वालों का शहर है। हमारे यहाँ रोजाना कमाते हैं तो खाते हैं, बहुत बड़ा तबका ऐसे लोगों का है। मालेगांव एजुकेशन लाइन में, तालीमी फील्ड में बहुत पीछे है। यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ पर तालीम नहीं है, और महंगाई तो पूरे देश में है। हम पूरे देश की बात आपसे नहीं करेंगे, हम ये चाहेंगे मालेगांव आपसे कोई बहुत बड़ा मुकाबला करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन आज सरकार की जो स्कीमें हैं, अगर उन स्कीमों को भी आप मालेगांव तक ले करके आ गए तो बेघर लोगों को घर मिल जाएगा और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जो लोग तालीम से महरूम है, एजुकेशन जिनको महंगा होने की वजह से या इंतजाम ना होने की वजह से तालीम नहीं मिलती है, उनको तालीम मिल जाएगी। तो मालेगांव वालों की कोई बहुत बड़ी तवक्कुआत नहीं है कि आप मालेगांव में लाल किला बना करके दें, आप मालेगांव के अंदर ताज महल बना करके दें, हम आपसे ये डिमांड नहीं करेंगे। आप जो कर सकते हैं, हम ये चाहेंगे कि पूरी ईमानदारी के साथ आप वो करके दे। मालेगांव जैसे अभी हमारे रहमान भाई ने कहा कि मोहब्बत करने वालों का शहर है, दिल वालों का शहर है, और जमील करांती साहब ने कहा कि इसको हमने दिल दिया तो दे दिया, सर तो दिया तो दे दिया, और ये आपका तजुर्बा है ना वो है। हमने कहा था कि हम आपको 2 लाख वोट देंगे तो हमने 2 लाख वोट दिया है। आपको किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1 लाख वोट भी नहीं मिला, लेकिन हमारे गांव में आपको 2 लाख वोट दिया। इसलिए हमारा हक है आपके ऊपर और हमें उम्मीद है, और मासिक में आपके जो काम काज रहे हैं उससे हमें ये पूरी तवक्को और उम्मीद है कि बड़ी आशा है हमको कि आप काम करने वाली है। डॉक्टर साहब का अपना बहुत अच्छा अनुभव है, फंड आप कैसे लाया जाता है डॉक्टर साहब को पता है, तो हमारे गाँव को आप मोहब्बत की नजर से देखें, इंशाल्लाह हमारे गाँव की जो है हमारे गाँव का नाम अच्छा बदलेगा। आज इस मौके पर हमें बहुत खुशी है कि बाकिया 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इतना वोट मिल गया, इतना वोट मिल गया कि मालेगांव वोट मिल करके, मालेगांव वोट मिल करके साई को आज खासदार बना दिया। अगर नासिक की तरह उन कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट नहीं मिलती तो मालेगांव के वोट से साई नहीं जीत सकती, लेकिन वहां से इतना वोट मिला जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं। दूसरी बात, मैंने आपसे ये बात भी कही थी कि आप जीतो या हारो, लेकिन रिजल्ट आने के बाद आप मालेगांव आना और आकर के लोगों से मुलाकात करना बराबर डॉक्टर साहब। आपने मेरी बात रखी और जीतने के बाद पहला दिन आप मालेगांव आए, मैं आपको बता दूं कि अभी 24 वर्ष पहले माने होगा कि आप आने वाले हो, तो ये पूरे हाल में आपको पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत